मरुधरा की धरा पर एक बार फिर बाड़ाबंदी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस को एक बार फिर टूट फूट और खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। लिहाजा भाजपा ने प्रशिक्षण शिविर के नाम पर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की तैयारी कर ली है, तो वहीं कांग्रेस ने भी एहतियातन बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। दरअसल प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में कल मतदान संपन्न हो गए, लिहाजा इसके बाद अब भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी गई है। इन 90 निकायों में से भाजपा ने 60 और कांग्रेस ने 25 निकायों में जीत हासिल की थी, बाकी 5 में निर्दलियों को बहुमत मिला था। अब इन चुनाव में जहां भाजपा के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं कांग्रेस भी कई जगहों पर अपना बोर्ड बनाना चाहेगी। यह चुनाव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव का पूरा दारोमदार सतीश पूनिया के ही कंधों पर है। ऐसे में इन चुनाव में भाजपा की हार और जीत ही सतीश पूनिया का सियासी भविष्य और कद तय करेगा, लिहाजा पूनिया किसी तरह की चूक नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वहीं यह चुनाव कांग्रेस के लिए भी बेहद अहम है, खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के लिए। वहीं बाड़ाबंदी के सवाल पर पूनिया ने कहा कि बाड़ाबंदी जैसे शब्द कांग्रेस पर ज्यादा सटीक बैठते हैं, बीजेपी पर नहीं। आजादी के बाद से लगातार चुनाव के बाद इस तरह के शिविर पार्टी आयोजित करती रही है। पूनिया ने माना कि यह छोटे चुनाव है और इनका मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव रहता है, इसलिए प्रत्याशियों को सुरक्षित जगह भी ले जाना पड़ता है। इन चुनाव में अधिकांश नए लोग आते हैं, उन्हें पार्टी की रीति नीति के बारे में भी बताया जाता है। जबकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हर बार स्ट्रेटेजी के तहत ही कुछ वार्ड खाली छोड़े जाते हैं, जीतने वाला कांग्रेस का ही कार्यकर्ता होगा। कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस ने जिता उम्मीदवारों की मान मनोबल शुरू कर दी है, क्योंकि कई जगहों पर कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारने के बजाय निर्दलियों पर ही भरोसा जताया है, लिहाजा इन चुनाव में निर्दलियों की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। 31 जनवरी को निकाय चुनाव के परिणाम तक इन प्रत्याशियों को बाड़े में रखा जाएगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जीतने वाले महानुभावों को 7 फरवरी यानी अध्यक्ष पद के चुनाव होने तक बाड़े में रखा जा सकता है। ऐसे में इंतजार करना होगा आगामी उन दिनों का। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।